हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीसी अपडेट लेके आता हूँ। पता आपको आज की तारीख में अगर 10th क्लास में अगर आप टीजीटी लग जाते हो या पीजीटी लग जाते हो और आपके स्टूडेंट 10th क्लास के या फिर 12th क्लास के अगर बोर्ड के एग्जाम में फेल हो रहे हैं या होने वाले हैं, आपको पता है तो पता है उस बच्चे से ज्यादा अब आपको डर लगेगा। और ये सब आपको सहना पड़ेगा जब आप टीचर बनोगे। एक्चुअल में क्या होता है पता है, जो भी हम प्रिपरेशन में या किताबों में पढ़ते हैं ना स्टैंडर्ड लाइंस की, ऐसा 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 नहीं होता, ठीक है ना। तो आज जो मैं इशू आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है ना। और कोई भी इसको नहीं लेके आएगा आपके सामने, आपको पढ़ाया सिर्फ आइडियल आइडियल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल डीलिंग बता रहा हूँ। जब आप में से कोई भी लगेगा या जो लगा हुआ है वो पढ़ेगा, उससे देखेगा तो उसे यकीन होगा कि हाँ यार यही होता है। और जो लगने वाला है उसे पहले से पता चल जाएगा कि ये सब होता है, तो उसे बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। जैसे ये देखो, राइट टू एजुकेशन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन लिखा है ना, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन बिटवीन 15 5 to 14 age, Article 21A, ठीक है। Article 21A के तरह 5 से 14 age के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, ठीक है। ये RTE का मूल सिद्धांत है, लेकिन जब ये इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आता है ना तो इसका मतलब बदल जाता है। अब क्या मतलब बदल जाता है मैं बताता हूं। और जो भी ये देखने आ रहे हैं कि इससे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब आएगा वो प्लीज ना देखे, ठीक है ना। आपका समय बर्बाद करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता, ठीक है। चलो आगे देखो, आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहली बात, क्लास फर्स्ट टू एट, मैं ये नहीं कह रहा ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है। कोई भी स्कीम बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट में जो इंप्लीमेंटेशन, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी पे इंप्लीमेंट करके देखा जाता है। जैसे मानो आप अपने घर में सफेदी करा रहे हो, तो आप अगर कोई कलर सोचते हो तो उसे दीवार के एक छोटे से हिस्से पे करके देखते हो कि ये कैसा लगेगा, तब जाके उस पेंट को पूरी दीवारों में पेलते हो, है ना। या थोड़ा पूरा दीवारों पे पेल देते, कहते हैं यार अच्छा नहीं है इसे निकालो, ठीक है। तो ये सब है, मतलब है अच्छा, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसे मैं बताता हूं। क्लास 1 to 8 आपको सारे बच्चे पास कर रहे हैं, कोई फेल होगा ही नहीं। पहली बात तो ये समझ आया, चाहे बच्चे को आता हो या ना आता हो, समझ आ रहा है, आपको हर बच्चा पास करना है। और अगर आप PRT टीचर लगते हैं तो आपके पास एक सरदर्दी सबसे कम हो जाती है कि आपको रिजल्ट प्रेशर नहीं होता, क्योंकि सभी पास होने, फेल होंगे ही नहीं। क्योंकि अब ऐसा हो चुका है ना कि अगर आपके बच्चे फेल होते हैं 10वीं में और 12वीं में, तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, बच्चों को नहीं आपको, कि बच्चे कैसे फेल हो गए। अब सुनना, लेकिन होता क्या, जैसे मान लो आपके घर में कोई है, वो एक जना बाहर मिसबिहेव कर रहा है या फिर गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, और आपने एक दिन देख लिया, आपने कहा छोड़ यार मुझे थोड़ा दे रहा है, फिर वो आपके अड़ोस पड़ोस में देने लग गया, आपने कहा चल मुझे थोड़ा दे रहा है, ये फैक्ट है कि वो एक दिन आपके सामने भी देगा और आपको भी देगा, समझ आ रहा है। इसी तरीके से तो फर्स्ट टू एट आपको सारे बच्चे ही पास करने पड़ेंगे, चाहे उन्हें आता हो या ना आता हो। अब इसे होगा क्या, ये आप फील करोगे, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। है था कुछ और RTE, बन कुछ और गया, ठीक है ना। तो पास करने की वजह से अब आपको होगा क्या, बच्चों को चाहे आता हो ना आता हो पास हो जाएंगे, समझ आ रहा है। ऐसे भी बच्चे देखने को मिलेंगे जो 5th क्लास में, उन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता इंग्लिश में, ठीक। चलो छोड़ो, आपकी झंझट खत्म हो गई। अब जब आपने बिना नॉलेज वाले या जिन्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा, सेंटेंस ही पढ़ने नहीं आ रहे, उनका मीनिंग नहीं आ रहा, वो बच्चा भेज दिया 9th में, अब यहां पे असली खेल है। जैसे प्रीवियस ईयर का बताता हूं, 9th में मानो 10 बच्चे फेल हो गए क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते थे पास होना, तो CBSE ने एक नया तिगड़म अपनाया, उन्होंने कहा असाइनमेंट दे दो इन्हें,
और असाइनमेंट आपको पता है कॉलेज में आप सब पढ़ चुके हो, और असाइनमेंट उतने नंबर के रखे कि ये असाइनमेंट पास करा दे, पास हो गए। तो यहां से वो भी पास हुआ, करा गया, अब ये बच्चे आ गए 10th में। अब 10th में इनका पेपर है बोर्ड का, और आप इनके टीचर हो, सुनना। अब जिस बच्चे का फाउंडेशन ही नहीं है, या जो पढ़ना ही नहीं, मतलब बेसिक्स ही उसके क्लियर नहीं है, आप चाह के भी उसे पास नहीं करा सकते। तो अब करते क्या है, जो इंटरनल नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा जो भी होता है, उसमें पूरे चढ़ा के चलते हैं। आप भी करोगे और करते ही हैं। इसके बाद अगर बच्चा फिर भी फेल हो गया, पता है कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 10 नंबर लाने, सिर्फ 7 नंबर लाने वो पास हो जाएंगे, 15 नंबर लाने। अगर ये बच्चा फेल हो गया तो आपको सीबीएसई से नोटिस आएगा, मतलब जिसे जवाबदेही कहते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक दो बच्चे पे नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ी स्ट्रेंथ भी, 5-10 बच्चे, तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि बच्चे फेल क्यों हुए, ठीक है। और मैं पहले टाइम से ही कहता आ रहा हूं कि ये जो चीज है ना, जैसे आपने सुना होगा, अब हम हर कोई कहता है पहले की पढ़ाई अलग थी, अब की पढ़ाई, मतलब पहले के 60% अब के 90% के बराबर नहीं है। वो इसीलिए, क्योंकि अब आप नहीं जज कर सकते कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं, क्योंकि कौन पास करा गया है या कौन पास हुआ है ये नहीं बताया जा सकता। और हमारे टाइम पे छठी में 3-3 साल फेल हो जाते थे बच्चे, क्योंकि पास नहीं होने वाले होते तो वो फेल ही करा जाता था, कि जब तक पास हो सकता है तभी पास करा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये सारा जब आप टीजीटी पीजीटी बनोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चे से ज्यादा आपको टेंशन होगी कि आपके कितने बच्चे पास होने और कितने फेल होने, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट खराब रहा तो आपको वो आएगा केवीएस से नोटिस, कहते हैं मेमो कह लो जो भी कह लो, कि आपके बच्चे फेल क्यों हुए, आप लिखित में दो, ठीक है ना। इसलिए ये, लेकिन आप और मैं सुधार नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। मेरे हाथ में पेन है, मैं लिख सकता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल है, आप वीडियो चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके प्रैक्टिकलिटी का एक ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन भी है कि आप डीलिंग करना सीख जाओगे कि कैसे रिजल्ट अच्छा है। पढ़ने वालों का तो अच्छा आएगा, नो डाउट, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी कैसे पास हो आप ये सीख जाओगे, और ये सब है। लेकिन पर्सनली मेरे विचारों से ये सब गलत है। चलो 8th तक आप पास कर देते हो धक्का देके, वो अलग चीज है, लेकिन 9th 10th 11th 12th, 9th और 11th वही पास कर रहे जिन्हें, लेकिन आप भी तो फंस गए। अगर आप 9th में फेल करते बच्चों को, तो आपको आएगा कि ये बच्चे फेल क्यों हुए, समझ आ रहा है। आपको एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी, छुट्टियों में आपकी क्लास लग सकती है। तो ये सारा ढांचा बहुत बेकार हो चुका है मेरे हिसाब से। राइट टू एजुकेशन बेकार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन की ये पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 5 से 14 साल का बच्चों को ये, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है ये बहुत बेकार है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, पता सबको था, लेकिन ये हर जगह चल रहा है, और इसलिए मैंने सोचा